एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो इससे पिछले वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, वो मैंने पूरा एक ही वीडियो में कवर करवा दिया था, ठीक है, क्योंकि वो छोटा सा चैप्टर था, उसमें हमें ज़्यादा चीज़ें पढ़नी नहीं थी। अब ये वाला जो चैप्टर है, ये भी बहुत बेसिक चैप्टर है, हालांकि इसमें बहुत सारे कॉन्टेंट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पर ये बहुत इजी चैप्टर है, मतलब बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें आपको ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो और आपको समझ भी आ जाएंगे आसानी से, ठीक है। पढ़ना क्या है देखो, समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका केस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, फिर हम पढ़ेंगे रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड देन फॉलोड बाय बिजनेस एथिक्स कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स। तो ये पांचों ही कॉन्टेंट्स हम आज की वीडियो में कवर कर लेंगे, इससे हमारा चैप्टर नंबर 6 खत्म हो जाएगा और आई गेस आपके हाफ ईयर में भी चैप्टर नंबर 6 तक ही आएगा, ठीक है। और जो भी है आप मुझे मैसेज या फिर कॉमेंट के थ्रू कन्वे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। अब आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज 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 डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक है भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दो टर्म से बना है, देखो सोशल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब सोसाइटी के लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हम कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी सोसाइटी के लिए। सोसाइटी किससे बनती है? हम लोगों से तो बनती है, तो हम कितना रिस्पॉन्सिबल हैं। पर यहाँ पर हमारी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस पर्सन की बात हो रही है। यानी कि कोई भी बिजनेस फर्म जो है, कोई भी इंडस्ट्रीज जो हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टुवर्ड्स सोसाइटी, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, तो वो कहलाती है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस पर्सन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो देखो, बिजनेस क्या है? एक सोसाइटी का पार्ट होता है। अब बिजनेस पर्सन जो भी कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, वो कहाँ से? अपने घर से सामान लेकर तो नहीं आ रहा, और घर से भी ला रहा है तो वो घर वाला सामान भी कहाँ से आ रहा है? उसने सोसाइटी से ही तो खरीदा है, सोसाइटी से ही तो लिया है, सारे रिसोर्सेज उसने सोसाइटी से लिए हैं। अब ऐसा नहीं कि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज लेके उनको कुछ पे बैक ना करे, उनको भी तो उन रिटर्न में कुछ देगा, और कुछ अच्छा ही देना चाहिए उसको, समझ रहे हो? नहीं तो ऐसे तो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या होता है, बिजनेस की भी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो अ बिजनेस एंटरप्राइज शुड डू बिजनेस एंड अर्न मनी इन वेज दैट फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी। Thus, social responsibility relates to the voluntary efforts. Voluntary मतलब जान करके जो efforts कर रहे हैं कौन, on the part of businessmen. Businessmen जो जान करके efforts कर रहे हैं to contribute to the social well-being, society के भले के लिए, social well-being के लिए जो भी voluntary efforts कर रहे हैं कौन, हमारे business persons, वो कहलाते हैं social responsibility के अंदर आते हैं, वो social efforts कहलाते हैं। The businessmen make use of the resources of society and earn money from the members of the society, so they must do something for the society. Obviously, वो उससे resources लेके अपना पैसा कमा रहे हैं, अपनी रोजी रोटी खा रहे हैं, तो उसके लिए बदले में तो कुछ करना चाहिए ना। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन देखो, मैंने समझा दिया, डेफिनेशन फिर भी क्या है पढ़ लेते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस रेफर्स टू इट्स ऑब्लीगेशन। ऑब्लीगेशन मतलब कोई चीज़ जो कंपलसरी है, करनी है, टू इट्स ऑब्लीगेशन टू टेक दोज डिसीजंस, वो डिसीजंस लेने के लिए, एंड परफॉर्म दोज एक्शंस, और उन एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए विच आर डिज़ायरेबल इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ आर सोसाइटी। यानी कि हमारी सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यूज़ के लिए जो डिज़ायरेबल हैं, जो अच्छे हैं, वो सारे एक्शंस परफॉर्म करना, वो सारे डिसीजंस लेना किसके अंदर आता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं? बिजनेस पर्सन की, बिजनेसमैन की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, समझ आ गया। अब भाई, कुछ लोग बोलते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बिजनेस पर्सन की, वो अच्छी भी है, मतलब उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सोसाइटी के टुवर्ड्स, पर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सम आर्ग्यूमेंट्स आर देयर इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सम आर देयर इन
सम आर देयर अगेंस्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये जो केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसमें हमको यही पढ़ना है. हम पहले वो आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे जो कि बोलते हैं कि भाई नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस पर्सन्स की भी. फिर हम पढ़ेंगे जो उनके अगेंस्ट हैं. सबसे पहली बात आती है सेल्फ इंटरेस्ट. सेल्फ इंटरेस्ट में क्या आएगा, देखो, टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द सोसाइटी फॉर लॉन्ग रन. अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, लंबे टाइम में अगर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना है और ग्रो करना है, द बिजनेस मस्ट कम अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. तो उनको सोसाइटी में अपनी बना के रखनी पड़ेगी कि नहीं. ऑब्वियसली अगर बुरा बुरा काम करेंगे, वो सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, अपना जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं कूड़ा बाहर ही फेंक रहे हैं, गंदगी फैलाएंगे, तो ऑब्वियसली सोसाइटी कैसे उनका साथ देगी. तो उनको सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. द वे सोसाइटी इज गिविंग टू द बिजनेस वॉट इट रिक्वायर्स, इन द सेम वे बिजनेस मस्ट गिव सोसाइटी वॉट इट वॉन्ट्स. जिस तरीके से बिजनेस पर्सन को वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो वो चाहता है, किससे, सोसाइटी से, उसी तरह सोसाइटी को भी उसको कुछ रिटर्न करना पड़ेगा. तो वो सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से ये काम उसको करना चाहिए. पहला पॉइंट तो ये कहता है. दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस. ऑब्वियसली अब आप खुद सोचो, जब आप बेकार बेकार काम करोगे, मान लो आपने कोई भी प्रोडक्शन किया, वहीं पे आप डंप कर रहे हो सारा कूड़ा और बहुत पोल्यूशन फैला रही है आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आसपास के लोग भी ऐसे ही होंगे बेकार से, मान लो वो भी ऐसे ही करने लगे देखा देखी, और इससे क्या होगा, आपकी जो सोसाइटी है वो बेकार कहलाएगी, आपके जो कस्टमर्स हैं वो बेकार कहलाएंगे, समझ रहे हो. तो यहाँ पे क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ. इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इंप्रूव होती है, रिजल्ट्स इन रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा रेजिंग मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा बढ़ता है, रेज होता है. सो बिजनेस विल गेट बेटर कम्युनिटी टू कंडक्ट बिजनेस, बेटर सोसाइटी मिलेगी, बेटर कम्युनिटी मिलेगी. तो एक होता है अच्छा एनवायरनमेंट मिले बिजनेस के लिए, इसके लिए हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी है. पहला हो गया सेल्फ इंटरेस्ट, दूसरा हो गया बेटर एनवायरनमेंट, तीसरा है पब्लिक इमेज. अब देखो, आप अपने घर के बाहर कल से कूड़ा पटकने लग जाना, ठीक है, मतलब वो जो गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, वो आती है ना वैन, उसमें मत करना, पर अपने घर के बाहर ही फेंकने लग जाना, तो आपकी इमेज क्या रहेगी कि भाई ये तो घर के बाहर ही कूड़ा फेंकता है. जब आपकी इमेज ऐसी होगी तो ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हो जाएगी. तो अगर आप घर के बाहर ही कूड़ा फेंकोगे या कुछ भी ऐसा काम करोगे जो सोसाइटी के फेवर में नहीं है, या फिर सोसाइटी के लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है, जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी इमेज खराब होगी, फिर आपका प्रोडक्ट कौन ही लेगा, नहीं लेगा. तो पब्लिक इमेज बनाने के लिए लोग, जिससे कि उन पर फेथ रखें, ट्रस्ट करें कि भाई ये बिज़नेस अच्छा है, इसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बहुत साफ सफाई से काम करता है. हम देखते हैं कि नहीं, हम गोलगप्पे वाले भैया के पास जाते हैं, अगर वो ऐसे गंदे गंदे हाथों से काम करें तो भाई कौन खाने आएगा. हम यही तो देखते हैं वो हाइजीनिक है कि नहीं, ग्लव्स पहन रखे हैं भाई, वो पानी में हाथ डुबो करके नहीं दे रहे हैं, वो किसी चम्मच से या वो जो आता है आपका कैम्फर उससे दे रहे हैं. तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो पब्लिक इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी पूरी करनी होती हैं. ये भी समझ आया. फिर पहला पॉइंट क्या था, सेल्फ इंटरेस्ट, दूसरा क्या था, बेटर एनवायरनमेंट, तीसरा हो गया पब्लिक इमेज. अब चौथा आता है हमारा अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. अब ऑब्वियसली अगर आप गंदगी करोगे तो क्या गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी कि नहीं, ऑब्वियसली करेगी. तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से बचने के लिए, कहीं वो टैक्सेस ना लगा दे, कहीं वो आप पर पाबंदियां ना लगा दे, आपकी दुकान ही ना बंद कर दे, कल को आपका ऑर्गेनाइजेशन ही ठप ना पड़ जाए, इस चक्कर में क्या होता है, हमको पहले से ही अपनी जिम्मेदारी पूरी करके चलनी है. तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस अवॉइड करने के लिए हमको ये करना है. फिर आ गया सोशल पावर. अब देखो, हर बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होती है, कुछ ना कुछ सोशल पावर्स होती हैं, पर उसकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं. अब पावर है, वो कुछ भी कर सकती है, पर ऐसा नहीं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल जाए सोसाइटी की तरफ. तो क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द पावर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी. दोनों चीज़ें होनी चाहिए. पांच पॉइंट्स हमने पढ़े, सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट, फिर बेटर एनवायरनमेंट, तीसरा पब्लिक इमेज, चौथा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस अवॉइड करना है, और पाँचवा क्या हो गया हमारा, सोशल पावर. ठीक है, सिक्स हमारा पॉइंट आता है रिसोर्सेज यूज फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन. बिजनेस हैज़ रिसोर्स सच एज टैलेंट, मनी, एक्सपर्टीज, ये सारी चीज़ें होती हैं. हर बिजनेस के पास कुछ टैलेंट है, तभी वो नया कर रहा है, मनी है उसके पास, एक्सपर्टीज है अलग अलग एरियाज में, विच इट कैन यूज एंड असिस्ट गवर्नमेंट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी. तो वो ये सारी चीज़ें यूज़ करके, उसके ये जो मतलब खूबियाँ हैं, पैसा है उसके पास, टैलेंट है, ये सब चीज़ें यूज़ करके वो सरकार की हेल्प कर सकता है कि भाई हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, हम सोसाइटी की प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं. जैसे आप बहुत सारे बड़े बड़े आप ऑर्गेनाइजेशंस को देखो, अडानी, रिलायंस,
ये लोग क्या करते हैं, पावर प्लांट्स लगवा रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट्स लगवा रहे हैं, जिससे कि क्या हो, हमको ग्रीन हाइड्रोजन मतलब ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट से क्या होगा, ऑब्वियसली पोल्यूशन कम होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये क्या है, ये एक इनसे इनकी पब्लिक इमेज बन रही है कि भाई ये लोग सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगा, गवर्नमेंट इन पर रोक टोक नहीं लगाएगी, साथ ही साथ क्या होगा, मॉरल जस्टिफिकेशन होगा। जो भी ये रिसोर्सेज इनके पास हैं, ये उनके थ्रू गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं कि हम आपकी इस चीज़ में हेल्प करें। गवर्नमेंट का एजेंडा है पॉल्यूशन कम करने का, है ना, तो वो उसमें हेल्प कर रहे हैं। तो इनसे बहुत सारे मतलब मल्टीपल फायदे होते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स, जो हमें इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि सोसाइटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम सोसाइटी से रिसोर्सेज ले रहे हैं तो उनको रिटर्न में कुछ दें, उनकी सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। इससे क्या होगा, हम पे वो ट्रस्ट करेंगे, हम पर फेथ उनका बनेगा, साथ ही साथ वो हमारे प्रोडक्ट्स और खरीदेंगे, वो सोचेंगे कि ये तो बढ़िया काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी। क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़े, दोबारा से रिकॉल करो। सबसे पहले हमने पढ़ा सेल्फ इंटरेस्ट, दूसरा हमने पढ़ा बेटर एनवायरमेंट, तीसरा हमने पढ़ा पब्लिक इमेज, चौथा हमने पढ़ा क्या पढ़ा था, चौथा हमने पढ़ा था आपका अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सोशल पावर, फिर हमने पढ़ा रिसोर्सेज यूज फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन, एंड लास्टली सोशल प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूशन। तो ये सारे क्या है, फेवर में बता रहे हैं। अब बात आती है इसके अगेंस्ट की, कि भाई कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं 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 तुम बिजनेस पर्सन को कोई ज़रूरत नहीं है ये सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करने की। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन लोग हैं और वैसे क्यों बोल रहे हैं, तो देखो उनके पास भी वैलिड रीजंस हैं, मतलब वो जस्टिफाई कर पा रहे हैं अपने पॉइंट्स को, अपने आर्ग्यूमेंट्स को। कैसे, सबसे पहले उन्होंने बोला बर्डन ऑन कंज्यूमर। अब आप देखो क्या होगा, मान लो वो कुछ कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया अडानी ने ग्रीन पावर प्लांट लगवाया, हाइड्रोजन प्लांट लगवाया, रिलायंस ने ऐसा करवाया, है ना, तो क्या होगा, उनकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। अब वो जो कॉस्ट उनको ज़्यादा बेयर करनी पड़ रही है तो वो अपनी जेब से नहीं देंगे, क्योंकि वो बिज़नेस कर रहे हैं, वो जानते हैं कैसे हमको प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो क्या करेंगे, हमसे ज़्यादा चार्ज करेंगे ऑब्वियसली। तो क्या होता है अल्टीमेटली ये सारी चीज़ों का, मतलब उन वो अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहे हैं तो उस चीज़ का बर्डन हमारे पे आ जाएगा, हम कंज्यूमर्स पे आ जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है, और ये सही भी है देखा जाए तो, क्योंकि वो हमसे ही चार्ज करेंगे। तो ये इसके अगेंस्ट कहता है कि नहीं भाई तुम मत ही फुलफिल करो, कोई दिक्कत नहीं, हम पर बर्डन आ जाएगा। दूसरा पॉइंट होता है वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब हर बिजनेस फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे, ना कि सोसाइटी का भला करे, सोशल वेलफेयर करे। ऐसा तो नहीं पढ़ा ना हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, जहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना हो, जहाँ पे पैसे की बात हो रही हो। अब जब वो सोसाइटी का भला करने चले जाएंगे, अपने रिसोर्सेज को जिनको वो किसी और चीज़ में लगा सकते थे, अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते थे, पर अब वो उन रिसोर्सेज से सोसाइटी का भला करेंगे, तो वो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, नहीं हो पाएगा। तो उनका ये जो ऑब्जेक्टिव है ये फुलफिल नहीं हो पाएगा, उसका वायलेशन हो जाएगा। ये भी पॉइंट सही है देखा जाए तो। तीसरा हमारा पॉइंट है लैक ऑफ सोशल स्किल्स। अब हम कह रहे हैं कि भाई तुम ये करो, तुम सोसाइटी के लिए ऐसा करो, तुम ये बनवाओ, तुम फलाना करो, पर उसके लिए तुम्हारे पास स्किल्स होनी चाहिए, जो कि हर किसी के पास नहीं होती हैं। कुछ ही बॉडीज़ होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे लिखा है देखो, दे आर नॉट एक्सपर्ट टू टैकल द सोशल प्रॉब्लम्स लाइक पावर्टी, ओवर पॉपुलेशन एट्सेट्रा। देयर फॉर सोशल प्रॉब्लम्स मस्ट बी टैकल्ड बाय सोशल एक्सपर्ट्स, जो सोसाइटी के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट्स होते हैं, जो आप कह लो वो देते हैं एडवाइजर्स होते हैं, उनको ही टैकल करनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट है लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट। अब सबसे बड़ी बात कि जनता अच्छे काम में साथ नहीं देती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोई इंसान अच्छा काम करने जा रहा है, नेकी के रास्ते पे चल रहा है, लोग उसका साथ नहीं देते हैं। लोग आजकल उल्टा ही काम पे लगे हुए हैं, मतलब उनके हिसाब से तो जो मतलब आप कह लो स्कैम्स कर रहा है, वो मजे से जी रहा है, तो वो उससे ज़्यादा प्रेरित हो जाएंगे कि भाई इसके पास तो बहुत पैसा, हम भी ऐसा करते हैं। पर अगर कोई इंसान अपना काम धाम छोड़ के अच्छा काम कर रहा है तो वो उसके साथ नहीं रहते हैं। तो पब्लिक सपोर्ट इज़ मस्ट, जो कि यूजुअली नहीं देखा जाता आज के टाइम पे। तो इसीलिए वो बोलते हैं क्या ही करोगे तुम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करके, तुम अपना पैसा बनाओ, तुम प्रॉफिट कमाओ। तो ये चार पॉइंट्स हैं, एक तो कंज्यूमर्स पे बर्डन शिफ्ट हो गया, दूसरा उनका प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव वायलेट हो गया, तीसरा कि उनके पास सोशल स्किल्स ही नहीं है, और चौथा उनके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है। तो ये चारों पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमको बताते हैं, जो कि अगेंस्ट में है किसके, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना करो। तो हमने समझ लिया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और उसके फेवर और अगेंस्ट में क्या क्या पॉइंट्स हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, किस किस तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो बेसिकली चार टाइप्स होते हैं। चार टाइप्स हमारे कौन से हैं, देखो आप याद कर सकते हो डील से, डी डबल ई एल, डी ई ए एल वाला डील नहीं, डील, डी डबल ई एल, या फिर लीड से कर लो,
LEAD वाला लीड नहीं, LEAD, तो ठीक है, डील या लीड कैसे भी याद कर लो। डी मतलब डिस्क्रिशनरी, ई मतलब इकोनॉमिक, तीसरा मतलब दूसरा ई मतलब एथिकल, और एल मतलब आपका लीगल। ठीक है, डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी, लीगल, इकोनॉमिकल और एथिकल। अब इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है हमारी बिजनेस पर्सन की। इन एन इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, मतलब जो सोसाइटी के भले के लिए हो, एंड सोसाइटी दो बार लिख दिया मैंने, विच वॉन्ट्स टू सेल देम एट अ बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी एंड सोसाइटी विच वॉन्ट्स एंड सेल देम एट प्रॉफिट। अच्छा, मतलब इसमें कुल मिला के ये लिखना है, मैं इसे एडिट कर दूंगी। इसमें ये लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि कुल मिला के वो क्या करे, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो सोसाइटी के भले के लिए हैं, उनको बहुत ज़्यादा महंगा ना बेचे, एक रीजनेबल प्राइसेस पर बेचे और प्रॉफिट हो उसका, ऑब्वियसली प्रॉफिट तो कमाएगा। ऐसा नहीं है 20 का बना रहा है तो वो 20 का ही बेचेगा, कुछ तो प्रॉफिट कमाएगा तभी तो वो ये काम कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, 20 का 50 का कर दिया, ऐसे नहीं, 20 का है तो 25 का। तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये बनती है। नेक्स्ट आता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लीगल मतलब लॉ से रिलेटेड, तो यानी कि उसको सारे लॉज वगैरह ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए और वो ये सारी चीज़ें फॉलो करे। ठीक है, एवरी बिजनेस इंटरप्राइज इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, अपने लीगल फ्रेमवर्क से बाहर ना जाए, कुछ ऐसा काम ना करे जिससे कि सरकार उस पर बहुत सारी IPC की धाराएं ठोक दे और उसको अंदर कर दे, उसका दुकान बंद करवा दे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क के विद इन काम करना है। लॉ अबाइडिंग एंटरप्राइज गेट्स नो इंटरफेरेंस, जो लॉ से अबाइड कर रही है मतलब लॉ को जो फॉलो करती है उसके उससे कोई छेड़खानी नहीं करता, सरकार उसको कुछ नहीं बोलेगी कि वो अच्छे से काम कर रही है। तो लॉ अबाइडिंग एंटरप्राइज गेट नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड इज कंसिडर्ड एज सोशली रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज। नेक्स्ट आता है एथिकल। एथिकल मतलब कुछ एथिक्स, एथिक्स मतलब आप कह लो तरीका, सलीका, एटिकेट्स, ये सारी चीज़ें, कुछ कोड ऑफ कॉन्डक्ट, ये सारी चीज़ें वो फॉलो करें। एथिक्स आर मच मोर देन लॉ, वाइल बिहेविंग एथिकली बिजनेस मैन शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन अडल्टरेशन, मतलब उल्टा सीधा काम ना करे, ब्लैक मार्केटिंग एट्सेट्रा, मतलब जो उसका काम है वो उसको सही तरीके से करे, उल्टे तरीके से ना करे। एथिक्स होने चाहिए, कुछ मैनर्स, एक तरह से मैनर्स होने चाहिए, ये नहीं मिलावट करके दूध बेच रहे हो तुम, गेहूं में मिलावट कर दी पता नहीं किसी पत्थर वत्थर की, दाल में मिलावट कर दी पत्थर की, एडल्ट्रेशन होता है जैसे, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, ये सब नहीं करना है, काला बाजारी वगैरह। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, हमने पढ़ लिया इकोनॉमिकल, एथिकल और लीगल। और लास्ट हमारे पास आता है डिस्क्रिशनरी। ठीक है, अभी जो इकोनॉमिकल, एथिकल और लीगल, ये तीन हैं, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो करनी ही करनी है, पर ये जो डिस्क्रिशनरी है ना, ये प्योरली वॉलंटरी है, मतलब मन करे तो करो, नहीं करे तो मत करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इट इंक्लूड्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन चैरिटी। डिस्क्रिशन मतलब क्या होता है, देखो ये जो डिस्क्रिशनरी वर्ड है इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिशन मतलब अपना ये कह लो मन की बात, ठीक है, ये समझ लो मोदी जी वाली मन की बात। तो अपना डिस्क्रिशन क्या कह रहा है, मन की बात क्या कह रही है, हमारा मन क्या कह रहा है, हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई चीज़ को चूज़ करने की जो एबिलिटी होती है दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्क्रिशन। तो ये अपने ऊपर है, अगर आपको चैरिटी करनी है करो, नहीं करनी मत करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ऐसे तो सब लोग ही बिजनेस पर्सन कोई चैरिटी करते नहीं है, कोई दान दक्षिणा करते नहीं है, तो ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेशन इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स, सेटिंग अप एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीज़ें, लोगों को हेल्प करो, जो इन वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, इंटर्नशिप्स वगैरह होती हैं वो उनको ऑफर करो जिससे कि लोग कमा सके। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, पर ये ज़रूरी नहीं है। तो हमने क्या पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती हैं, फटाफट से बताओ। यहाँ पे मैंने कैसे याद कराया, लीड से। ठीक है, एल स्टैंड्स फॉर लीगल, ई स्टैंड्स फॉर एथिकल, ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल एंड डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिशनरी। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो मैंने बोला था छोटे छोटे टॉपिक्स और बेसिक हैं, बहुत आप आराम से समझ लोगे। अब बात आती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। हमने बोला कि पूरी सोसाइटी की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर हर सोसाइटी में क्या होता है, अलग अलग ग्रुप्स हैं हमारे पास। अब वो ग्रुप्स क्या क्या हैं, देखो एक हमारे पास होते हैं कंज्यूमर्स, हमारे पास कंज्यूमर्स हैं, सोसाइटी में ही रहते हैं, एम्प्लॉयज़ भी सोसाइटी में ही रहते हैं, ओनर्स जो हैं वो भी सोसाइटी में रहते हैं, गवर्नमेंट भी सोसाइटी का पार्ट है, कम्युनिटी भी सोसाइटी का पार्ट है, और सप्लायर्स भी सोसाइटी का पार्ट है। तो ये सारे लोग सोसाइटी का पार्ट हैं, तो अलग अलग ग्रुप्स के टूवर्ड्स तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब हम ये समझेंगे। समझ आया ना मैं कहना क्या चाह रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कंज्यूमर्स की।
अब कंज्यूमर्स की तरफ तो आपकी सबसे, मतलब आप कह लो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहली जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दो और ज़्यादा हाई फाई प्राइस चार्ज ना करो, ठीक है? ये दो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम्स बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग। एड देखे आपने, मतलब आपने कि उसने एक फटाफट से वो डाला कुछ, क्या होता है, सर्फ एक्सल, कपड़ा धुल गया, या फिर बहुत सारी फेयर एंड लवली का जैसे हुआ था, फेयर एंड लवली से गोरे हो जाते हैं, कुछ नहीं होता। तो ट्रूथफुल होना चाहिए हमको अपने एडवर्टीजमेंट पे, झूठी मूठी बातें नहीं बतानी है। और साथ ही साथ हमें फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, मतलब हमको रीजनेबल प्राइसेस पे अपना प्रोडक्ट बेचना है, उनसे ज़्यादा पैसा वसूलना नहीं है, वरना वो पहुंच जाएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के, ठीक है, कंज्यूमर्स लॉ में, ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज़ की तरफ, मतलब हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं लोग, उनकी तरफ भी हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वही हमको प्रोडक्ट्स बना करके दे रहे हैं, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, वो नहीं होंगे वो तुम उनको अच्छा वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, गर्मी में काम करा रहे हो, धूप में, सर्दी में बाहर कोहरे में भेज दिया, ये सारी चीज़ें तो वो, और अच्छा उनको रेन्यूमरेशन नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें होंगी, बेकार वर्किंग कंडीशंस होंगी, तो वो क्यों काम करेंगे? तो क्या करना चाहिए, हमको फेयर कॉम्पनसेशन और सारे बेनिफिट्स देने चाहिए, लाइक हेल्थ बेनिफिट्स हो गया, इंश्योरेंस बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें, अलाउंसेस प्रोवाइड करने चाहिए उनको, गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस देनी चाहिए उनको, अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि वो आगे बढ़ चढ़ के सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, आप लोगों की हेल्प करें, अपना कॉन्ट्रीब्यूट करें अपनी स्किल्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओनर्स, शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स, ठीक है। ओनर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए। अब इनकी तरफ क्या होती है जिम्मेदारी, देखो, एक तो आपका जो इन्वेस्टमेंट जो आपने किया हुआ है वो सेफ रहेगा हमारी कंपनी में, ठीक है, आपको फेयर और रेगुलर रिटर्न मिलेगा, मतलब अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये नहीं कि आपका पैसा बर्बाद, हमने आपका पैसा इन्वेस्ट करवा लिया, जैसे बहुत सारे आप केसेस सुनते हो स्कैम्स वगैरह कि पैसा अपने उसमें इन्वेस्ट करवा लिया, भाग गई कंपनी, 9-11 हो गए, तो ये नहीं करना है, ठीक। फिर टू इंश्योर एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपने जो भी पैसा लिया है उनसे इन्वेस्टमेंट करवाया है, इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ये करो, मतलब ये नहीं आप फालतू चीज़ों में उड़ा रहे हो, नहीं, बिजनेस पर्पज से ही यूज़ करो। तो ये हो गए ओनर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स की तरफ आपकी जिम्मेदारी। फिर आती है सरकार। अब देखो सरकार क्या चाहती है, सरकार ये तो चाहती नहीं कि तुम अगर कुछ भी बना रहे हो तो फ्री में उनको 4 बिस्किट के पैकेट दे दो, ये तो वो चाह नहीं रही है। वो क्या चाहती है कि भाई रूल्स रेगुलेशंस लॉज आप फुलफिल करो, अच्छे से फॉलो करो, ठीक है, टाइम टू टाइम टैक्स देते रहो, ड्यूटीज़ वगैरह पे करते रहो, और सोशल रिस्पॉन्सिबिल, मतलब सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें थोड़ा सा हाथ बटा दो, कुछ हेल्प कर दो। तो ये सारी होती हैं सरकार की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कम्युनिटी, हमारी जो भी कम्युनिटी है या फिर हमारी मतलब आप कह लो सोसाइटी, कम्युनिटी, समुदाय जिसे हम बोलते हैं, उसकी तरफ क्या है कि उनको अच्छा एनवायरनमेंट देना, उनका एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं करना, पोल्यूशन नहीं करना है अपने को, और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है जिससे कि वो लोग भी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, वो अच्छे से अच्छे और एजुकेशन उनको दे सके हम, और वीकर सेक्शंस के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना, मतलब जो पुअर लोग हैं। अब ऐसा नहीं कि आप ऐसी चीज़ें ही बना रहे हो या फिर उन चीज़ों का प्राइस बहुत ज़्यादा रख रहे हो जिससे कि वीकर सेक्शन, पुअर पीपल जो हैं वो अफोर्ड ही ना कर पाए, ये सब काम भी नहीं करना है। फिर नेक्स्ट और लास्ट आपका आता है सप्लायर्स, आप जिनसे सामान खरीदते हो, रॉ मटेरियल्स वगैरह, उनकी तरफ भी आपकी जिम्मेदारी है। उनसे क्या है, टू इंश्योर रेगुलर पेमेंट, आप उनको रेगुलर पेमेंट दो, ये नहीं रॉ मटेरियल ले लिया, सामान बेच के खुद प्रॉफिट कमा के खा रहे हो, उनको पेमेंट ही नहीं दे रहे हो, वो डेली घर आ रहे हैं, आपके दफ्तर आ रहे हैं, ये सब नहीं करना है। अडॉप्ट फेयर डीलिंग विद द सप्लायर्स, उनके साथ भी फेयर डीलिंग करनी है। प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लायर, जो स्मॉल स्केल सप्लायर्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस जो हैं, उनको असिस्ट करना, आप उनसे सामान खरीदो और उनको अच्छा मतलब पे करो टाइम टू टाइम, तो ये सारी चीज़ों से क्या होगा, उनको भी बढ़ावा मिलेगा, उनका बिजनेस भी और बड़ा हो जाएगा। तो ये सारे हैं क्या क्या, 6 आपके ग्रुप्स बताए थे मैंने। सबसे पहला तो आपका कंज्यूमर्स, ठीक है, कंज्यूमर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, ओनर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, कम्युनिटी एंड सप्लायर्स। तो ये आपके क्या हैं, 6 इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जिनकी तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। हमने पढ़ लिया कि भाई बिजनेस क्या हो, मतलब बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कि बिजनेस कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। पूरी तरीके से तो कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, पर ये लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, राइट? कैसे हेल्प करेंगे, सबसे पहले समझते हैं कि भाई एनवायरनमेंट क्या होता है।
इन्वायरमेंट देखो क्या होता है, हमको पता है ये बेसिक चीज़ें हैं, ये मैं ज़्यादा पढ़ाने नहीं वाली हूँ। इन्वायरमेंट आपको पता है टोटलिटी ऑफ मेन्स सराउंडिंग्स, हमारे लोगों के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं चाहे वो मैन मेड हो आर्टिफिशियल हो, उन सबको मिला के बन जाता है हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे कि वाटर बॉडीज हो गई, माउंटेन्स हो गया, सन हो गया, आर्टिफिशियल जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट में आता है। फिर आता है पोल्यूशन। क्या होता है पोल्यूशन भी आपको पता है भाई, इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इन टू द एनवायरनमेंट, और वो किसी भी तरीके से होता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि बहुत शोरगुल हो रहा है तो नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, हवा आपकी बेकार हो रही है, लोगों को डिसीजेज हो रही हैं, तो ये सब पोल्यूशन कॉज करता है। अब कॉजेज ऑफ पोल्यूशन ये सब भी चीज़ें आपको पता है, देखो ये सब आप पढ़ लेना अपने आप से। एयर पोल्यूशन आप लोगों को पता है क्यों होता है, स्मोक की वजह से, केमिकल्स की वजह से, फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है, व्हीकल्स में से धुआं निकलता है, ये सब की, इसीलिए तो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। ठीक है, जिससे कि क्या हो, ये जो पोल्यूशन है वो थोड़ा कम हो सके। वाटर पोल्यूशन आपको पता है क्यों होता है, केमिकल्स और वेस्टेज उसी में अगर हम डंप कर देते हैं तो हो जाता है। लैंड पोल्यूशन आपको पता है क्यों होता है, आप मतलब डिफॉरेस्टेशन की वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से लैंड पोल्यूशन होता है, लैंड इनफर्टाइल हो जाती है। नॉइस पोल्यूशन आपको पता है, इतना शोरगुल हो रहा है भाई शादियों में, 12-12 बजे तक बैंड बाजा बजा रहे हैं, 12-12 बजे तक बारात निकलती है, तो इन सब से क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है। तो ये चारों चीज़ें आपको पता है। अब बात आती है मेन चीज़, नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल की, भाई बिजनेस इन्वायरमेंट को क्यों ज़रूरत है पोल्यूशन को कंट्रोल करने की। यहाँ बिजनेस इन्वायरमेंट की बिजनेस की बात हो रही है, बिजनेस को क्यों ज़रूरत है पोल्यूशन कंट्रोल करने की। तो सबसे पहला हमारे पास आता है कि रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड्स, मतलब कि हेल्थ से रिलेटेड बीमारियां ना हों हमको। किसी को देखो हार्ट अटैक आ रहा है, वो अस्थमा की बीमारी होती है लोगों को, मतलब वो ज़्यादा अगर पोल्यूशन है तो उनको अस्थमा हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल इज़ मस्ट टू एंश्योर अ हेल्दी लाइफ ऑफ पीपल, राइट। पोल्यूशन इज़ द रूट कॉज ऑफ मैनी डिसीजेज, एयर पोल्यूशन इज़ द मेन कॉज ऑफ हार्ट एंड लंग एंड डिसीजेज एंड कैंसर, वाटर पोल्यूशन, ये वगैरह वगैरह, मतलब कुल मिला के हेल्थ हजार्ड जो हैं, हेल्थ डिसीजेज जो हैं उनसे बचने के लिए। सेकेंड आता है रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ लाइबिलिटी, रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ लाइबिलिटी का मतलब क्या है, इट इज़ पॉसिबल दैट एन एंटरप्राइज इज हेल्ड लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन टू पीपल अफेक्टेड बाय द टॉक्सिसिटी ऑफ गैशियस लिक्विडिटी एंड सॉलिड वेस्ट एंड इट हैज़ रिलीज इन टू द एनवायरमेंट। देखो बहुत बार होता है और ऐसे बहुत सारे असली में किस्से हुए हैं, क्या है कि भाई फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ क्या करती हैं, जैसे कि आप अगर कानपुर के बारे में आपको पता हो, कानपुर में लेदर की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, वहाँ का जो पानी वगैरह है वो इतना ज़्यादा गंदा रहता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, चमड़ा जब वो बना रहे हैं तो उसका जो भी वेस्ट निकलता है वो सीधा वहीं पानी में जाता है। ठीक है, जो भी नदी है कानपुर में, मुझे नहीं पता कौन सी नदी है, तो क्या होता है पानी बहुत पोल्यूट हो रहा है। अब लोग क्या करते हैं, लोग सच में केस करते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, आप गूगल करके देखना, लोग केस कर देते हैं कि भाई इसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या होगा, उस बिजनेस पर्सन को कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा, वो पैसे देगा उनको बकायदा कि आपका इस चीज़ का नुकसान हुआ, आपको ये बीमारी हो गई या जो भी है, वो सरकार को देगा, उस इंसान को देगा। तो अगर आप मतलब आपको ये कॉम्पनसेशन पे करने से बचना है तो आप क्या करो, पोल्यूशन कंट्रोल करना स्टार्ट करो, आप ऐसी चीज़ें बनाओ जिससे कि आपका क्या हो, प्रोडक्शन वहीं हो रहा है तो आपका वेस्ट वगैरह मतलब ज़्यादा आपको दूर फेंकने ना जाना पड़े, या फिर आपको मतलब लोगों को कॉम्पनसेट ना करना पड़े, ऐसी व्यवस्था करो अपनी। ठीक है, सो देयर फॉर इट इज़ अ बिजनेस पॉलिसी टू इंस्टॉल पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेज, ऐसे पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेज अपने वहाँ लगाओ बिजनेस एनवायरमेंट में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लाइबिलिटी, जिससे आपकी जिम्मेदारी ना हो कि भाई ये चीज़ आपकी वजह से हुई, आपको कॉम्पनसेशन पे ना करना पड़े। फिर आता है कॉस्ट सेविंग्स, कॉस्ट आपकी बचे। अब आप बहुत सारा कचरा लेकर के डंप करने वहाँ इतनी दूर जा रहे हो, उसमें इतना पैसा लग रहा है, ऐसी चीज़ बनाओ ना कि वहीं से कुछ ना कुछ हो जाए उसका। जैसे आजकल क्या हो रहा है, ये जो वेस्ट हो रहा है इसको भी हम रिसाइकल कर रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ और बनाते हैं, जिससे कि हमको क्या करना पड़े, ये कचरा, कूड़ा कचरा इतना गंदगी ना फैलाए, हमारे इन्वायरमेंट को पल्यूट ना करें। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे डिवाइसेज वगैरह इंस्टॉल करो जिससे आपकी कॉस्ट भी बचेगी। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और आप लोग भी तो सोसाइटी का पार्ट हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस का मालिक है वो भी तो वहीं रहेगा उस सोसाइटी में, जब वो खुद ही सोसाइटी को गंदा कर रहा है एक दिन वो उसको बीमारी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें देखनी है, तो ये भी एक रीजन है कॉस्ट सेविंग का, कॉस्ट आपकी बचेगी थोड़ी सी। फिर है पब्लिक इमेज, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई पब्लिक इमेज हमारी इंप्रूव होगी, अभी हमने पढ़ा था, अगर आप साफ सुथरा काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी पब्लिक इमेज इंप्रूव होने वाली है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, और आप पे लोगों का फेथ बना रहेगा, ट्रस्ट करेंगे वो लोग आप पे। और लास्ट आपका आता है मेंटेन नेशनल ब्यूटी, नेशनल ब्यूटी और हाँ इन्वायरमेंट, नेशनल नहीं है एक्चुअली, वो नेचुरल है,
ठीक है, इट्स नेचुरल। तो नेचुरल ब्यूटी मेंटेन करने के लिए आपने क्या करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, जिससे सब कुछ बढ़िया बढ़िया लगे। ये नहीं कि पेड़ टूटे फूटे पड़े हैं, ज़मीन खराब पड़ी है, पानी गंदा है। हम देखते हैं ना नदियाँ वगैरह कितनी गंदी रहती है, साइड में कूड़ा कचरा थैली वगैरह पड़ी रहती है, और इससे क्या होता है, हम तो मर ही रहे हैं, साथ ही साथ जानवर भी मर रहे हैं जो कि कुछ कर नहीं रहे हैं। वो कूड़ा नहीं फैला रहे हैं, वो फिर भी मर रहे हैं फ्रीपन में। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के, ये सब मतलब आप कर सकते हो ये सारी चीज़ें, इससे आपको ये फ़ायदा होगा। अब आता है रोल ऑफ बिजनेस इन द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। बिजनेस का क्या रोल है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने, मतलब वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, वो क्या कर सकता है। देखो, इको फ्रेंडली एंड क्लीन और लो वेस्ट टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड बाय इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। इको फ्रेंडली और क्लीन टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको दूर से दूर तक फेंकना चाहिए, जिससे कि वो रिसाइकल हो सके। और क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी शुड बी मॉडर्नाइज। प्लांट और मशीनरी जो है वो मॉडर्नाइज्ड कर दी जाए टाइम टू टाइम, जिससे कि हम क्या करें, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। बिजनेस हाउसेस शुड कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशंस, हमको फॉलो करने चाहिए। पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए, दीज इंक्लूड प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, हम ट्रीज लगवाएं, नदियाँ साफ़ करवाएं अगर हमारी वजह से गंदी भी हो रही हैं, तालाब वगैरह साफ़ करवाएं, तो ये सारे काम हमें करने हैं। कूड़ा वगैरह रिसाइकिल करना है, ये सब चीज़ें हमें करनी है। लास्ट हमारा आज का टॉपिक है फाइनली बिजनेस एथिक्स। तो हमको बिजनेस एथिक्स, अब मैंने बताया था एथिक्स मतलब, एथिक्स क्या होते हैं, कुछ तरीके, सलीके, मैनर्स, ये सारी चीज़ें। बिजनेस के क्या एथिक्स हैं, बिजनेस के क्या क्या तरीके हैं, सलीके हैं, वो हमको पढ़ने हैं। सबसे पहली बात आती है, बिजनेस एथिक्स रेफर टू द मॉरल वैल्यूज और स्टैंडर्ड और नॉर्म्स विच गवर्न द एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेसमैन, जो कि उसकी एक्टिविटीज़ को गवर्न करते हैं, जो उसकी गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, ये बताते हैं बिजनेस एथिक्स। ठीक है, एथिक्स डिफाइन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है। बाय एथिक वी मीन द बिजनेस प्रैक्टिसेस विच आर डिजायरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी, मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस, एथिक्स मतलब मैनर्स। मैनर्स क्या होते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं भाई, अगर कोई रिलेटिव आ रहे हैं तो उनको ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते, जय जिनेन, जो भी करना है आप करो, तो ये मैनर्स हैं, एथिक्स हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं। तो बिजनेस एथिक्स मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि बिजनेस करेगा, बिजनेस पर्सन करेगा, जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं। ठीक है, द पर्पज ऑफ बिजनेस एथिक्स इज टू गाइड द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज इन परफॉर्मिंग द जॉब। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, चार्जिंग फेयर प्राइस फ्रॉम कस्टमर्स। अब आप फेयर प्राइस चार्ज करें, मतलब ये बिजनेस एथिक्स हैं, आप ये चीज़ सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, ठीक है, और आप सही कर रहे हो। गिविंग फेयर ट्रीटमेंट टू वर्कर्स, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करो, ये नहीं ओवर टाइम करा रहे हो, उनको घिस रहे हो बिल्कुल, उनको अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट्स, अच्छा प्रॉफिट कमाओ, टैक्सेस टाइम टू टाइम पे करो, और जो आपके वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको टाइम टू टाइम सैलरी दो, अच्छी सैलरी दो, मिनिमम जितनी मिलनी चाहिए उनके काम के अकॉर्डिंग, ये सब करो। तो ये क्या है, बिजनेस एथिक्स कहलाते हैं। अब हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस एथिक्स के। सबसे पहला, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। जो बिजनेस एथिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, द सीईओ एंड द हायर लेवल मैनेजर्स मस्ट बी कमिटेड टू एथिकल नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, मतलब उनको ज़रूर ज़रूर फॉलो करने, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ना, सीईओ जो हैं, बड़े बड़े मैनेजर्स जो हैं, उनको ज़रूर फॉलो करने, क्योंकि उन्हीं को देखा देख क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ फॉलो करेंगे, और उन्हीं को देखा देख पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेगा। अगर आपके मान लो प्रिंसिपल डायरेक्टर आपके स्कूल के वो कुछ फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, अब आपकी प्रिंसिपल जो मैम होंगी या सर होंगे वो ऐसी मुंह उठा के ट्राउजर्स वगैरह में, जॉगर्स में, ये सब चीज़ों में तो नहीं आ जाते होंगे ना, वो ऊपर प्रॉपर उनका ड्रेस कोड होगा। अब मान लो वो ऐसे ही आने लग जाएं स्कूल में, तो आप कल को सोचोगे हम भी ऐसे चले जाते, क्या हमें क्या ज़रूरत है भाई ये पहनने की यूनिफॉर्म। तो जब वो फॉलो नहीं करेंगे तो आप कैसे करोगे, तो यानी कि टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट होना चाहिए, वो ज़रूर करें। पब्लिकेशन ऑफ कोड, कोड ऑफ एथिक्स इज अ फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स दैट गाइड अ फर्म्स एक्शन। तो एक कोड ऑफ, पब्लिकेशन ऑफ कोड मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे वैल्यूज, एथिक्स, सारी कोड्स होते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें ऐसे फॉलो करनी है, तो वो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, इट मे कवर एरियाज लाइक ऑनेस्टी, क्वालिटी, सेफ्टी, हेल्थ केयर वगैरह वगैरह। मतलब आपने देखा होगा किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके बारे में लिखा रहता है कि अगर वो मतलब मान लो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो लिखते हैं कि हम ये सारे काम करते हैं, हम ऐसे ऐसे काम करते हैं। आजकल एड में भी आता है, जैसे मुझे याद नहीं आ रहा, वो मामा अर्थ का, तो आपने जब भी मामा अर्थ का एड देखा होगा, वो बोलते हैं कि हम प्लांट्स वगैरह भी लगाते हैं, ये सारी चीज़ें, राइट। तो पब्लिकेशन ऑफ कोड होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। इसमें क्या है, अ सूटेबल मैकेनिज्म शुड बी डेवलप्ड टू कंप्लाई विद द एथिकल स्टैंडर्ड्स। एक
मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि आप और सब लोग क्या करें, इन एथिकल एथिक्स से कंप्लाई करें, मतलब इन एथिक्स को फॉलो करें, ठीक है। द मैकेनिज्म शुड बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू ऑल द एम्प्लॉयज या फिर टू ऑल द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, और सबको पता होना चाहिए मैकेनिज्म, जिससे कि वो लोग थोड़ा डिसिप्लिन के साथ और अच्छे से काम करें। क्योंकि एक बंदा भी खराब करेगा, आपका एक एम्प्लॉय भी काम बेकार करेगा, वो अगर एथिक्स फॉलो नहीं करेगा तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदनाम होगा ऑब्वियसली। तो आपको ये करना है कि वो जिससे सब लोग फॉलो करें, ऐसा मैकेनिज्म चूज करना है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। इट इज़ द एम्प्लॉयज ऑफ द लोअर लेवल्स हु इम्प्लीमेंट एथिकल प्रिंसिपल, राइट। सो दे मस्ट बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एथिकल कोड। तो जो भी एथिकल कोड है, मतलब ये जो अभी हमने पढ़ा ना पब्लिकेशन ऑफ कोड, तो ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बता दिया कि ये सारी चीज़ें फॉलो की जाएंगी, नहीं। जब आप कोई कोड बना रहे हो या फिर कोई वैल्यूज़ वगैरह बना रहे हो कि हम ऐसे ऐसे करेंगे अपने, मतलब आप कह लो कोई ऐसी चीज़ें बना रहे हो रूल्स और रेगुलेशंस कि हम ये करेंगे, तो उसमें एम्प्लॉयज़ का भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली फॉलो एम्प्लॉयज़ को भी करना है, एम्प्लॉयज़ नंबर में ज़्यादा होते हैं, वो नहीं करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेकार जाएगी, ठीक। लास्ट हमारा आता है मेजरिंग रिजल्ट्स। हालांकि एथिक्स को फॉलो करने का रिजल्ट मेजर करना इम्पॉसिबल है, ऑब्वियसली आप कैसे मेजर करोगे, नहीं कर पाओगे, पर फिर भी इनको देखना चाहिए, मतलब वेरीफाई किया जाना चाहिए, ऑडिट किया जाना चाहिए कि वर्क जो है अकॉर्डिंगली हो रहा है कि नहीं, एथिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। हमने सारी चीज़ें पढ़ी, क्या क्या पढ़ा भाई हमने, अभी बताती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारा क्या होता है, हमारा हाँ हमारा बिज़नेस का जो सोशल रिस्पॉन्सिबल, हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, फिर बिज़नेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चार पढ़ी थी, क्या क्या थी, LEED, लीगल एथिकल इकोनॉमिकल डिस्क्रिशनरी। फिर हमने पढ़ा कि डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स के टूवर्ड्स कौन कौन से थे, आपका कंज्यूमर्स, सप्लायर्स, और आपका ओनर्स, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, और आपके क्या थे, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, और एक और कोई बंदा था मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयज़, ठीक, ये हो गया। और हमने पढ़ा कि दो आर्ग्यूमेंट्स थे, एक फेवर में एक अगेंस्ट में, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए वो फेवर में, और अगेंस्ट में कि नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि इन्वायरमेंट, मतलब बिज़नेस का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से क्या लेना देना है, कैसे वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ वो अडॉप्ट कर सकते हैं, और क्यों उन्हें करनी चाहिए, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, जैसे उनका कॉस्ट सेव होगी, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगा, पब्लिक इमेज बनेगी, तो ये सारे उनके लिए फ़ायदे हैं बिज़नेस के लिए, कि भाई वो अगर पोल्यूशन कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे तो तुमको ही फ़ायदा है, खुद को, बिज़नेस को। फिर हमने पढ़ा बिज़नेस एथिक्स क्या होते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, और इसी के साथ हमारा 6th चैप्टर ख़त्म होता है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, वैसे ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं हुआ होगा, तो अगर लॉन्ग हो भी गया है तो कोई बात नहीं भाई, देख लेना, ज़रूरी है, 36 मिनट्स हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता ही है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी ही पोस्ट करूंगी, 7th चैप्टर। एंड येस, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो डू गिव इट अ लाइक, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।